Welcome to your channel Be Always Learner. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर रहे हैं, राइट? एंड द क्वेश्चन इज चेक 150 माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ एपी 18 8 5 एंड 2. हमें चेक करना है कि 150 इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हमें पता लगाना है इस सीरीज में, राइट? सो सॉल्यूशन वी आर डूइंग. सो हेयर सबसे पहले हमें डी पे टेस्ट करना चाहिए कि डी क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी हेयर. तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 माइनस 11. फिर उसके बाद थर्ड टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे सो ये क्या आने वाला है, 5 माइनस 8. फिर टेस्ट कर सकते हैं हम नेक्स्ट जो ए फोर टर्म है उसमें से थर्ड टर्म माइनस कर देंगे, 2 माइनस 3. सो नॉट 2 माइनस 3, दिस विल बी 2 माइनस 5. सो दिस इज कम्स आउट टू बी माइनस 3, दिस इज कम्स आउट टू बी माइनस 3, दिस इज कम्स आउट टू बी माइनस 3. सो इससे क्या पता लगा कि जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो हर बार सेम है. इसका मतलब जो गिवन हमारे पास सिक्वेंस है वो ए पी है. सो हम इसको लिख सकते हैं एज ए कमेंट, एज ए एन प्लस 1 में से अगर हम प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं सो द डिफरेंस है इज सेम एवरीवेयर, और वी कैन से एवरी टाइम, रादर टू राइट इट एवरी टाइम इज गुड, राइट? सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन ए पी, राइट? सो ये हमें यहां से पता लग गया. Now we know that D is minus 3 and A is first term which is 11. So हमें हमारे पास first term है और last term, first term और difference given है हमारे पास. So let हम यहाँ suppose करते हैं कि minus 150 be the nth term, ठीक है, ऑफ गिवन एपी, राइट? सो उसके लिए nth term का फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट करेंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड विद डी. अब ए एन हमने क्या एज्यूम किया है, 150 इज इक्वल टू ए एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 11 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है, माइनस 3. अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर एन की वैल्यू एक पूरा पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, ठीक है, एक इंटीजर नंबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है. अगर वो इंटीजर नंबर नहीं आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारी जो अजम्पशंस थी कि जो 150 इस सिक्वेंस में लाई करता है वो रॉन्ग थी. तो हम इसको एनालाइज करते हैं और एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो 150 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 एंड यहाँ मल्टीपल में माइनस 3 है हमारे पास. और 150 में से 150 यहाँ नेगेटिव में है, सॉरी, सो दिस विल बी नेगेटिव. सो 150 एंड 11 विल बिकम 161 विद नेगेटिव साइन. यहाँ 3 ऑलरेडी मल्टीपल में है माइनस 3, सो हम यहाँ इसको यहाँ लिख सकते हैं एन माइनस 1. सो ये कैंसिल आउट हो गया और ये यहाँ क्रॉस आउट नहीं हो सकते, तो एन माइनस 1 देर इज़ नो कॉमन फैक्टर इज 161/3. सो वी कैन राइट एन माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3. सो इस 1 को हम यहाँ ले जाके प्लस में लिखते हैं,
राइट, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 एलसीएम आने वाला है, 161 प्लस 3, दिस विल बिकम 164 बाय 3। अब 164 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम यहाँ पर ये कमेंट कर सकते हैं कि n यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। सो इन वेरी नेक्स्ट वी कैन राइट द कमेंट, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट, ये होना चाहिए था। अगर ये नहीं होता, बिकॉज n एक टर्म है, टर्म क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म हो सकती है, लेकिन 3/2 कोई टर्म्स नहीं होती। तो यहाँ पर n 164/3 आया, दिस इज नॉट ए टर्म। अगर ये टर्म नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, एंड सो क्या रिजल्ट आया फाइनली कि -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। सो दिस इज द कंक्लूजन, राइट, सो दैट इज द कंक्लूजन। सो जब भी हमें कोई टर्म गिवन हो और हमें चेक करना हो वो सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, सो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।